पुरुषोत्तम 13 से पूरा सीरीज करते जाएंगे, आपका 12 हो जाएगा। तो बच्चों शायद 12 लास्ट क्लास किए थे हम लोग, ओके पैरामेट्रिक इक्वेशन था 12 का, dx बाई डी टी एक तो निकाले थे, dy बाई डी टी निकाले थे, फिर dy बाई डी एक्स निकाले थे, 12 हो गया था बच्चों। 13 नंबर देखिए, ओके 13 नंबर, ओके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, 13 14, ओके इसका dy बाई डी एक्स बच्चों फाइंड करना है, ओके चलिए कैसे फाइंड करेंगे। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स आप पुट कर सकते हैं बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स आप पुट कर लीजिए। यहाँ पर क्या पुट करेंगे बच्चों, क्या लेने से आपका ही होगा, y इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, वेरी गुड, ओके x इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके आपका प्लस कितना, साइन इनवर्स कितना, 1 - x² ओके। तो बच्चों जब भी तुम्हारा ऐसा रहता है आप लोग को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मीन्स आपको थोड़ा बहुत सफिशिएंट होगा, तो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा ले लीजिए, ओके x इक्वल टू कॉस थीटा ले लीजिए, तो y इक्वल टू ये तुम्हारा ये साइन इनवर्स ऑफ, ओके x के बदले कॉस थीटा हुआ, ओके ये साइन इनवर्स ऑफ ये आपका 1 - कितना कॉस का थीटा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ये सफिशिएंट बच्चों होगा बच्चों, ओके ये आपका कॉस थीटा को क्या कीजिए, साइन 90 - थीटा कीजिए, ओके कॉस थीटा को क्या कीजिए, साइन 90 - थीटा, ओके अगेन ये बच्चों हो गया आपका, ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखिए, कॉस थीटा के बदले में साइन 90 - थीटा लिखिए, ओके ये साइन इनवर्स, ओके आपका क्या हुआ बच्चों, एक्स को हम कॉस थीटा लेने के बाद ये क्या हो रहा है बनिए देखो, 1 - cos का थीटा का रूट ओवर बोलिए कितना आएगा बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, हाँ हाँ ये मिसलेनियस क्वेश्चन बच्चों हम कर रहे हैं, ओके ठीक है। देन बच्चों आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कर ये कर जाएगा 5/2 - थीटा हो जाएगा, ये कहना ये साइन इनवर्स साइन कर जाएगा कितना थीटा आएगा बच्चों, ओके तो बच्चों देख लीजिए हम लोग का, हम x को साइन थीटा लिए, x को cos थीटा लिए, इधर भी कॉस थीटा लिए, बाद में ये साइन थीटा आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को क्या किया हम साइन 90 - थीटा किए, ओके देन आपका माइनस थीटा कॉस थीटा कट जा रहा है, वाई इक्वल टू 5/2, ओके इसका डेरिवेटिव पूछा था, ओके तो दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, इसका आंसर 0 है कि नहीं चेक कीजिए थोड़ा, प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 13, इसका आंसर चेक कीजिए क्या है। तो बच्चे हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ओके देखिए तो हमें शायद इसमें प्रूव करना है 14 में, dy बाई dx इक्वल टू -1/(1+x²), ओके ये हमें बच्चों 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूव ये थोड़ा रह गया है, ओके तो ये बच्चों हमें प्रूव करना है, ओके ये थोड़ा अलग सा मेथड में होगा बच्चों, इसका पूरा सिंपलीफाई होने के बाद लास्ट को डेरिवेटिव होगा, एक्स का क्या 1+y, ओके अगेन वाई का कितना, वाई का आपका 1+x, ओके और इक्वल टू 0। अच्छा ये रूट में है तो रूट का में डेरिवेटिव थोड़ा दिक्कत करेगा, एक काम कर सकते हैं रूट हटा सकते हैं हम लोग, ओके ओके क्या कीजिए, ये एक तरफ ये कर लीजिए, ओके ये -y और क्या 1+x बच्चों, ये रूट रहता है, रूट में थोड़ा डेरिवेटिव दिक्कत होता है, इसलिए एक तरफ करके इसको स्क्वायर कर दीजिए, पहला रूट हटाने की कोशिश कीजिए, सेकंड एक्चुअली यू बाई वी मेथड में होगा, सेकंड हम कोशिश करेंगे नीचे वाई को, वो एक्स है सर, ये एक्स इंटू कितना 1+y और वाई होल इंटू 1+x, ओके यहाँ पर हमने x² लिख दिया, ओके सॉरी राइट, ओके अच्छा देखिए पहला बात है आपको रूट को हटाना है देखना है, सेकंड बात है आपको इस ऐसा स्टाइल में लाना है, आपको वाई इक्वल टू ऐसा स्टाइल में लाना है, सो दैट ये यू बाई वी में आके ऐसा आएगा, ओके तो एक बात है रूट हटाना है, दूसरा बात है आपको इस फॉर्म में लाना है, ऐसा फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे,
थोड़ा म्यूट कर लीजिए बच्चों। ओके तो देखिए आपका, देखिए स्क्वायर करके पहले रूट हटा दीजिए, स्क्वायर दो बोथ साइड। ओके स्क्वायर दो बोथ साइड। ओके तो जब ये स्क्वायर करेंगे रूट एंड स्क्वायर हट जाएगा। ओके तो नहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या वन प्लस वाई। ओके नेक्स्ट ये वाई माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके देन ये दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस एक्स आएगा। नेक्स्ट बात है हमको ऐसे वाई इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स लाना है। तो एक काम कीजिए एक्स का पास एक्स रख दीजिए, वाई का पास वाई रख दीजिए, एक्स का पास एक्स रख दीजिए और वाई का पास वाई रख दीजिए। तो रुक जाए नहीं तो शायद और थोड़ा कुछ कटेगा। ओके स्क्वायर दो बोथ साइड बच्चों कर दिए। अच्छा तो फिर मल्टीप्लाई थोड़ा कर दीजिए और थोड़ा ये सिंपलफाई होगा बच्चों थोड़ा। ओके ये एक्स स्क्वायर और क्या प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी इंटू कर दीजिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ये बच्चों पूरा सिंपलफाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक तरफ ये पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका वाई स्क्वायर। ओके यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स है, ये वाला उस तरफ ले लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। तो बच्चों मैं क्या क्या फिर से बोल रहा हूँ, ये फिर स्क्वायर दो ऊपर ने मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ओके मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ, ये इसको उस तरफ कर दिया। ओके ये दो पार्ट होगा बच्चे, एक्स प्लस वाई इंटू कितना एक्स माइनस वाई, यहाँ पर आपका एक्स वाई कॉमन जाएगा, एक्स वाई कॉमन जाने के बाद वाई रहेगा और माइनस ये कितना रहेगा एक्स रहेगा। ओके आपको एक्स वाई कॉमन जाने के बाद आपका यहाँ पर वाई रहेगा माइनस एक्स रहेगा। अच्छा ये आपका ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए बच्चों, माइनस कॉमन जाने से ये भी आपका प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। उसके बाद एक्स माइनस वाई काट दीजिए। अब बच्चों ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्स वाई। ओके अच्छा एक तरफ वाई कर दीजिए बच्चों। ओके ये वाई प्लस ये एक्स वाई, ये प्लस एक्स उधर ले लीजिए माइनस एक्स। ओके माइनस एक्स वाई इस तरह ला लीजिए और प्लस एक्स उधर ले लीजिए। ओके यहाँ पर वाई कॉमन ले, हमें वाई इक्वल टू चाहिए वन प्लस एक्स आएगा ये माइनस एक्स। ओके तो वाई इक्वल टू आपका माइनस एक्स बाय कितना वन प्लस एक्स। बच्चों मैं पहले से सब बोल रहा था आपको ऐसा लाना है, ये पहला इसको उस तरह ले लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा यहाँ पर थोड़ा ये। ओके उसके बाद ये एक्स माइनस वाई एक टू कटेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको ऐसा फॉर्म लाना है, ये वन बाई एक्स को नीचे रखना है, वाई इक्वल ऐसे फॉर्म कैसे डेरिवेटिव कर लीजिए प्रूव हो जाएगा। अब बच्चों डेरिवेटिव कर लीजिए और यू बाई वी मेथड में बच्चों होगा डेरिवेटिव, माइनस बाहर रहेगा, ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। ओके बाय बी स्क्वायर। ओके तो देखिए ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके ये आपका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। ओके तो बच्चों ये आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये डी एक्स डी एक्स कट जाता है, यहाँ पर वन प्लस एक्स होता है। ओके ये माइनस। ओके ये बच्चों वन का तो जीरो, डी एक्स का वन आएगा, वन का तो जीरो डी एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा और वन इंटू एक्स एक्स आएगा बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके देन बच्चों ये आपका माइनस एक्स प्लस एक्स कर जाएगा। ओके देन ये आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके तो बच्चों यहाँ पर ऐसा हम लोग किए इसको। ओके सिंपलीफाई करके। ओके पहला है एक तो ये रूट, पहला रूट हटाना था। ओके उसके बाद एक एक्स माइनस वाई काटना था, फिर वाई इक्वल इस फॉर्म में लाना था, उसका डेरिवेटिव के तो बन गया। ये सब प्रैक्टिस चाहिए बच्चों और कुछ नहीं। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ओके 15, 15 नंबर बच्चे देखिए आपका। ओके यहाँ पर बोल रहा है कि ये गिवन है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ओके देन ये इज द इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मीन्स इसमें ए एंड बी नहीं रहेगा। ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये जो है और ये है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट ए एंड बी मीन्स इसमें ए एंड बी नहीं रहेगा, इसमें ए एंड बी नहीं रहेगा। ओके तो चलिए करते हैं इसका। ओके एक डी वाई बाई डी एक्स करना है और एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। चलिए ये आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर है। ओके ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस ये y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये गिवन है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स करना और एक तो सेकंड डेरिवेटिव करना है और उसके बाद ऐसा लिख के ये करना है, सिंपलीफाई करना है, ऐसे लिख के सिंपलीफाई करना है। इसमें इंडिपेंडेंट ए एंड बी मीन्स इसमें ए एंड बी नहीं रहेगा। ओके अच्छा चलिए एक डी वाई बाई डी एक्स एक चाहिए और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो डेरिवेटिव कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके इसका अंदर वाला डेरिवेटिव बोलो, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों, इसका अंदर वाला डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा बोलो बच्चों, इसका अंदर वाला डेरिवेटिव। ओके लिखोगे डेरिवेटिव दो और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन। ओके बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, इसका अंदर वाला डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा बच्चों, अंदर वन आएगा। फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव बोलो। ओके इसका अंदर वाला डेरिवेटिव बोलो। ओके ओके लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख दीजिए। ओके डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके डिफरेंशिएट। ओके डी आई एफ एफ ई आर एन सी एट ए टी ई। ओके डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके अच्छा पहले अंदर वाला डेरिवेटिव वन आएगा, फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव, फिर इसका अंदर वाला डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स और ओनली बी का डेरिवेटिव जीरो आएगा। ओके पहले अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ, फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव, एन एक्स इंटू एन माइनस वन। और डेरिवेटिव ऑफ द ओनली कॉन्स्टेंट बच्चों क्या होते हैं, डेरिवेटिव ओनली कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। ओके ठीक है बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर दिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अंदर वाला डेरिवेटिव फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू एन का डेरिवेटिव, एन एक्स इंटू एन माइनस वन, टू माइनस वन, डेरिवेटिव ओनली कॉन्स्टेंट जीरो। यहाँ पर बच्चों टू डिवाइड कर दीजिए, नेक्स्ट लिखिए डिवाइड टू बोथ साइड। ओके तो ये एक्स माइनस ए रहेगा और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ये वाई माइनस बी हो गया। ओके बच्चों पहले हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, ये प्लस उधर जाके माइनस होगा और इन टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये प्लस एक्स माइनस हो जाएगा माइनस होगा और इन टू वाई माइनस भी डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया बच्चों। अच्छा और एक बार क्या करना है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर निकालने के बाद इसमें डाल देना है, डाल देने के बाद ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी रहेगा, मीन्स इसमें ए एंड बी नहीं रहेगा। ओके सेकेंड हो गया बच्चों, ये पहला ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, पहला का फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकेंड इक्वेशन रखिए। अच्छा इसको सेकंड और एक बार डेरिवेट कीजिए डी स्क्वायर सेकंड ऑर्डर कीजिए। ओके ये बच्चों क्वेश्चन रूल आएगा, क्वेश्चन रूल यू बाय वी मेथड, डेरिवेट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेट फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेरिवेट ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। ओके बी स्क्वायर मीन्स आपका किसका स्क्वायर होता है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके बच्चों मैं फिर से बच्चों बोल रहा हूँ आप लोगों को,
इसका और एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, पहला डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो निकालने में इस पर डाल देना है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा। ओके ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव बच्चे कर रहे हैं, इसको और एक बार डेरिवेटिव कर देना है। यू बाई बी मेथड वो डेट फास्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेट सेकंड फंक्शन टू फास्ट बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये डी स्क्वायर वाई बाई क्या डी एक्स, ये माइनस रहा बच्चों। इसका डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, डी एक्स डी एक्स वन होगा और ए का डेरिवेटिव जीरो होगा, वन माइनस जीरो वन आ जाएगा बच्चे का वाई माइनस बी। अच्छा बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा और बी का डेरिवेटिव बच्चों जीरो हो जाएगा, ओनली डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट जीरो, ये डी वाई डी एक्स। ओके इंटू कितना एक्स माइनस है डिवाइडेड बाय कितना आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा इसको और छोटा करने के लिए, आपको इसको छोटा करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू था ना ये वैल्यू पुट करोगे बच्चों। इसको इक्वेशन को और छोटा करने के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा एंड इसका वैल्यू सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके पहले हम इसको छोटा करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करने से छोटा हो जाएगा और थोड़ा देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर बच्चों डेरिवेटिव कीजिए हमारा। आगे ये वाई माइनस बी है। अच्छा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कितना है, बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कितना है माइनस एक्स माइनस माइनस ऑफ कितना एक्स माइनस है कितना वाई माइनस बी। ओके ये इंटू कितना एक्स माइनस बाय कितना, ये बच्चों और थोड़ा छोटा हो जाएगा देखिए। ओके ये वाई माइनस बी का क्या, तो बच्चों ये इसका हम यू बाई बी मेथड में कर दिए और ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, पुट कर दिया देखिए क्या हो रहा है इधर। ओके ये और थोड़ा छोटा आएगा बच्चों, थोड़ा देखिए कैसे छोटा आ रहा है, ये माइनस टाइम। ओके अच्छा देखिए आपका वाई माइनस बी एलसीएम लीजिए, ये वाई माइनस बी एलसीएम लीजिए, वाई माइनस बी के साथ डायरेक्ट इंट होगा बच्चों, वाई माइनस बी डायरेक्ट इंट होगा, ये बनेगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, डेक्स बच्चों एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको ये उल्टा क्या कर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या वैल्यू बच्चों, वाई माइनस बी बाय का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया आपका सी स्क्वायर दिया है। ओके तो वो चाहिए आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बाय कितना डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस सी स्क्वायर बाय कितना वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों आपका जो हो गया, तो बच्चों हमें पहले जब ऐसा था क्वेश्चन हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाले और डी स्क्वायर वाई बाई भी डी एक्स स्क्वायर निकालने का, तो फाइनल इसमें पुट करना है, फाइनली इसमें पुट करना है डी वाई बाई डी एक्स और क्या डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पुट करना है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आएगा, मीन्स इसमें ए भी नहीं रहेगा। ओके तो देखिए पुट कर दीजिए जो आया इसमें बच्चों पुट कर दीजिए। ओके अच्छा बोलिए कितना आया डी वाई बाई डी एक्स कितना था बच्चों, बोलिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, बोलिए ए आया था बच्चों ना, नहीं बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था और डी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया था बच्चों, बोलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सी स्क्वायर बाय कितना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलिए कितना आया था सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो चेक कर लीजिए बच्चों के, तो बच्चों चेक कीजिए थोड़ा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया था माइनस एक्स माइनस बाई वाई माइनस बी और डी क्यूब क्या आया हमारा बच्चों डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों ठीक लिखे तो एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके तो देखिए हमारा ये एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी ठीक लिखे तो बच्चों, और ये सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी लिखे तो ना माइनस सी स्क्वायर बाय देखिए क्या आया था माइनस सी स्क्वायर आया था ना क्या आया था बोलिए तो आप लोग, अरे भाई आप लोग कुछ बोलते नहीं हो सर, क्वेश्चन में तो 3/2 है। क्वेश्चन में
ये पावर पे 3/2 है। पावर 3/2 है, ठीक है लिख दे रहे हो। ओके और लेकिन ये ठीक है, तो एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, और सेकंड ऑर्डर क्या माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी क्यू, ठीक है। तो ओके तो ठीक है, देख लीजिए। देन इसका पावर कितना 3/2 है। ओके ठीक है, तो बच्चों सही लिखे हम, ये सही लिखे कि नहीं बोलिए थोड़ा। अच्छा यस सर। हाँ अब बच्चों देखिए इसका थोड़ा, ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा इधर, ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट 1/2 होगा, कितना आएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके फिर बच्चों ये माइनस ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। ओके ओके और इसका पावर कितना 3/2, और नीचे ये कितना है। अगर इसको रेसिप्रोकल करके इंटू कर दे, दैट इज वाई माइनस बी का होल क्यू इंटू, इसको रेसिप्रोकल करके इंटू कर दीजिए, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर। ओके अच्छा अच्छा बच्चों इसका वैल्यू क्या था बोलिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वेशन वन में इसका वैल्यू क्या था बोलिए। आप देख लीजिए आपका इसका वैल्यू क्या था। ओके स्टार्टिंग में आपका ये था एक्स माइनस ए क्या सी स्क्वायर दिया था, ये भी आपका सी स्क्वायर दिया था। ओके तो वही वैल्यू हमेशा पुट करते जाइए, आपको डी वाई बाई डी एक्स का पुट करते जाइए। ओके तो वो वैल्यू पुट कीजिए इधर। ओके तो ये इसका वैल्यू बच्चों सी स्क्वायर दिया है क्वेश्चन नंबर, ये सी स्क्वायर बाय कितना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके इसका पावर 3/2, इसका होल टू द 3/2 है इंटू वाई माइनस बी का क्या होल क्यूब बाय कितना माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों इसका 1/2, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। 1/2 मीन समझते हो, 1/2 मीन्स रूट होता है, तो सी का स्क्वायर का 1/2 करेंगे सी आएगा, मीन्स 1/2 मीन्स रूट होता है बच्चों, सी स्क्वायर का रूट टू सी आएगा, 1/b का होल स्क्वायर का रूट करेंगे वाई माइनस बी आएगा बच्चों। कौन नहीं समझा बच्चों, नहीं तो एक ऐसा काम कीजिए, यहाँ पर 2 आएगा दोनों का होल स्क्वायर आएगा और ये 3/2 आएगा, तो ऐसा भी कीजिए 2 2 क्या कर जाएगा, ये सी बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा और ये 3/2 होगा, ये 2 2 कट जाएगा, ये होल क्यू रहेगा और क्या ये आपका वाई माइनस बी का होल क्यूब बाई क्या माइनस सी स्क्वायर। ओके देन बच्चों ये आपका सी क्यू आएगा, अगेन ये वाई माइनस बी का होल क्यू आएगा, ये वाई माइनस बी का होल क्यूब और माइनस सी स्क्वायर आएगा, ये और ये कट हो गया, देन आपका ये आपका आंसर आया माइनस सी। बच्चों हमें प्रूव करना था इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हमें प्रूव करना था इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए बी नहीं रहेगा उसमें, प्रूव करना था इसका जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मीन्स इसमें इसका जो रिजल्ट में ए भी नहीं रहेगा। तो बच्चों हुआ कि नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, बच्चों इसका आंसर माइनस सी आएगा बच्चों। यस सर। ओके तो बच्चों ये समझ में आया बच्चों, पहला डेरिवेटिव किए, सेकेंड डेरिवेटिव किए, उसका जो आया उसमें डाल दिए, और जो डेरिवेटिव किए छोटा करके उसको डाल दीजिए। ओके और ये आपका फाइनल इसका माइनस सी आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ओके ठीक है बच्चों, और बच्चों एग्जाम में आप लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होता है, हर एक का मिसलेनियस क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपका सीबीएसई क्वेश्चन है, 17 भी सीबीएसई क्वेश्चन है, 23 भी सीबीएसई क्वेश्चन है। 17 बच्चों में कर दिया था सेकेंड डेरिवेटिव, ओके बोला तो और एक बार भी करेंगे बच्चों, में किया था कि नहीं, जैसे आपका जब मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन जो पढ़ाया था 17 में करवाया था। 16 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैं क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार दिया हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला, ओके बच्चों यहाँ पर थोड़ा अलग सा करना है आपका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना है, ये कॉस में एक्स कॉस कितना ये, और कॉस ए प्लस वाई को नीचे रखिए, ये जो कॉस ए प्लस वाई को नीचे रखेंगे तो यू वाई बी मेथड में आपका ये आएगा। हमें क्या चाहिए बोलो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, इसीलिए कॉस ए प्लस वाई को नीचे रखिए, तो एक्स इक्वल टू बच्चों समझ में आया इंटू कॉस ए प्लस वाई नीचे कर दिए। ओके
अब बच्चे इधर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई कीजिए, आपका एक्स इक्वल टू क्या आया, कॉस ए वाई कॉस ए प्लस वाई का वाई। इसको इंटू नीचे क्यों रखे बच्चों, बच्चों हमें प्रूफ में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, इसीलिए कॉस ए प्लस वाई को नीचे की क्वेश्चन रूल जब करेंगे ना, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा। और बच्चों ये कॉस ए प्लस वाई इंटू इधर आकर डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई कीजिए एंड यू बाई वी मेथड कीजिए। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, डेड फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, डेड फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, डेड फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेड द सेकेंड फंक्शन, डेड द सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका डेड फास्ट फंक्शन सेकेंड माइनस डेड सेकेंड फंक्शन फास्ट बाय बी स्क्वायर, बी आपका ये है ठीक है। अरे बच्चों ये समझ में आया बच्चों, ये u by v मेथड समझ रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, डेड फास्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेड सेकंड फंक्शन, यहाँ गलत में लिखा हूँ क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, डेड सेकंड फंक्शन टू फास्ट ओके बाय v स्क्वायर ओके। देन बच्चों ये आपका dx y, dx का डेड विथ रेस्पेक्ट टू, डेड cos y विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस साइन y इंटू cos a प्लस y ओके। बच्चों पहले a प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा, वन आएगा बच्चों, पहले बच्चों ये a प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा है ओके, ये cos a प्लस वाई है ओके, ओके ये हमारा डेड फास्ट फंक्शन सेकेंड माइनस डेड सेकेंड फंक्शन टू फास्ट बाई बी स्क्वायर ओके। बच्चों पहले a प्लस वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो बच्चों ए का तो डेरिवेटिव जीरो होगा और डी वाई बाई डी वाई वन आएगा, तो ए प्लस वाई का डेरिवेटिव वन आएगा। फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव बच्चों डेड कॉस थीटा फॉर्मूला बोलिए, डेड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, डेड कॉस थीटा माइनस साइन, पहले ए प्लस वाई का डेरिवेटिव वन आएगा फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू कितना, ये कॉस वाई बाई बी स्क्वायर बच्चों के, ये आपका कॉस स्क्वायर कितना, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओके। अच्छा बच्चे ये फॉर्मूला कुछ बन रहा है, देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखिए बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, नहीं ये साइन नहीं, साइन ए ये वाला देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये साइन ए माइनस बी, आपका बी बच्चों वाई है और ए ए प्लस वाई ओके। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बाय कितना, बाय आपका कॉस स्क्वायर कितना, ये आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओके। देन प्लस वाई माइनस वाई कट जाता है बच्चों, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो बच्चे, हम डेरिवेटिव निकालते विथ रेस्पेक्ट टू वाई निकाले थे, इसको अब रेसिप्रोकल कर दो डी वाई बाई डी एस कर दो, तो ये रेसिप्रोकल हुआ तो उस तरफ भी रेसिप्रोकल बच्चों होगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना ए प्लस वाई बाई ये साइन है बच्चे। ये थोड़ा स्पेशल मेथड में होगा, ये क्वेश्चन था तो पहला एक कॉस ए प्लस वाई नीचे ले आइए ओके, डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू वाई, कॉस ए प्लस वाई नीचे जब रहेगा तो ये कॉस कर ए प्लस वाई ये आएगा ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 नंबर बच्चों इंपॉर्टेंट था, हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो वीडियो बनाया उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं 17 ओके। नेक्स्ट 23 इंपॉर्टेंट है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा है कर देंगे। चलिए पहला 16 इंपॉर्टेंट, 17 इंपॉर्टेंट, 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम आता है। थोड़ा एनसीईआरटी देख के बोलिए, थोड़ा कुछ सिंबल इसमें गायब है, थोड़ा एनसीईआरटी बुक देख के थोड़ा बोलिए इसका क्या सिंबल थोड़ा गायब है। बच्चो ये क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर ना क्या,
एनसीईआरटी बुक देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा बच्चों, ये दिया है कि वाई इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स, देन ये प्रूव करना है। ओके, एग्जाम में बच्चों ये आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, 4 मार्क का आता है। ओके, तो बच्चों आपका ये दिया है, वाई इक्वल कितना दिया, वाई इक्वल कितना दिया आपका, ये ए टू कर कितना कॉस इनवर्स एक्स दिया, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है बच्चों। ओके ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये e को हमेशा उस तरफ ले लीजिए, e उस तरफ जाने से बच्चों ये log e होता है, log हो गए, ये y इक्वल टू a टू दर कितना, ये a cos इनवर्स x हो गए। बच्चों e को इस तरफ ले आइए, e इस तरफ लाने से log y होता है बच्चों, उसके बाद a cos इनवर्स x। ओके, आप बच्चों डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके, देखिए बच्चों डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो पहला चेन रूल बच्चों होगा, इसका डेरिवेटिव पहले बोलो, अरे बच्चों समझ रहे, तो पहला ये इस तरफ आ गया, लॉग वाई हो गया। अब डेरिवेटिव करो बच्चों, पहले इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर लॉग वाई का डेरिवेटिव आएगा 1/y। बच्चों पहले इसका डेरिवेटिव, फिर लॉग वाई का डेरिवेटिव। ओके, ये बाहर रहेगा डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स, बोलो डेड कॉस इनवर्स एक्स बोलो, अरे डेड कॉस इनवर्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अच्छा देखिए, हम लोग का जो प्रूव है ये है 1 - x2 ऐसा। ओके, देन बच्चों ये आपका dy/dx जो है ये डिवाइड बाई इनटू कर दीजिए माइनस ay/ कितना हुआ 1 - x2। ये आपका यूज होगा आपका। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यूज होगा बच्चों। ओके समझ गए बच्चों, पहला इसका हम ये उस तो ले लिए, इसका डेरिवेटिव पहला वाई का डेरिवेटिव फिर लॉग वाई का डेरिवेटिव, नहीं तो काम कर सकते हो, एक तो डी वाई डिवाइड करने से इसका डेरिवेटिव नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट एक्स नहीं होगा, एक डी वाई डिवाइड करने से लॉग वाई का 1/y आएगा, फिर आने के बाद डी वाई डिवाइड के तक इंटू करोगे डी वाई बाई डी एक्स, नहीं तो पहले इसका डेरिवेटिव फिर लॉग वाई का डेरिवेटिव हुआ, कॉस इनवर्स इसका डेरिवेटिव हुआ, ये डिवाइड बाई को इंटू कर दिए। अच्छा ये इक्वेशन मान रखिए, फिर और एक टर्म चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, जैसे बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए थे, जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए थे, यहाँ पर वही करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हम किए थे बच्चे, क्वेश्चन जो इससे पहले उसमें डी वाई बाई का डी एक्स का वैल्यू पुट करने बाद और सिंपलफाई को छोटा हो गया था। ओके ओके, तो यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों, और एक बार डेरिवेट कर लीजिए, लेकिन माइनस ए को बाहर रखे, ये यू बाई वी मेथड होगा बच्चों, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी पुट होगा। ओके, यू बाई वी मेथड बोलिए बच्चों क्या होता है, डी वाई वी का डेरिवेटिव बोलो, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन डेड ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट। ओके, डेड फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, डेड फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेड ऑफ सेकेंड फंक्शन फास्ट बाई बी स्क्वायर। ओके, पहुंचो माइनस से बाहर रहा। ओके, और ये डेड फास्ट फंक्शन सेकेंड माइनस डेड सेकेंड फंक्शन फास्ट बाय बी स्क्वायर। ओके, बाय बी स्क्वायर। ओके, बी आपका क्या जानते हो, इसका इसका स्क्वायर कीजिए, रूट एंड स्क्वायर कर दे 1 - x2। ओके, अच्छा और एक बात है बच्चों, आपको पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ओके, अच्छा अच्छा बच्चों, आपका प्रूफ में देखिए 1 - x2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, आपका प्रूफ में देखिए 1 - x2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये वाला उस तरफ ले ले रहा हूँ मैं, इस तरफ ले जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमें जो प्रूफ है उसी को उनसे तैयारी करना है, 1 - x2 बाई क्या डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये रहा बच्चों। ओके,
देन ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, माइनस वन बाई, ये आपका माइनस वन बाई वन माइनस स्क्वायर का वैल्यू अगर भी ये भी पुट कर देते हैं होगा, क्योंकि हम सभी यहाँ पर ये चाहिए। ओके और आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर पुट करेंगे ये कट जाएगा। एक काम कीजिए बच्चों, डी वाई बाई जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम डी वाई बाई डी एक्स का क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पर भी आप पुट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का क्या वैल्यू बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का क्या वैल्यू था, माइनस ए बाई कितना, वन माइनस एक्स का। ये क्यों पुट किया जानते हो बच्चों, यह कट जाएगा ये इसके साथ माइनस। ओके बच्चों यहाँ पर हो गया बच्चों, डेड फास्ट फंक्शन सेकंड बाय डेड सेकंड फंक्शन फास्ट बाय बीस करो कि ये वन माइनस एक्स को उधर ले ले, क्योंकि प्रूफ में इसी स्टाइल में है, और ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसलिए पुट कर दिए, कट जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा देखिए इसका डेरिवेटिव बोलिए, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलिए बच्चों, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x माइनस टू एक्स आएगा, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखने बोला था, वन बाई टू रूट एक्स। मैं फिर से बोल रहा बच्चों, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि कट जाएगा बोल तो पुट कर दिया। ठीक है, सेकंड बात है। ओके इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस टू एक्स। ओके एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स इंटू कितना वाई। अच्छा ये बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर के तो रूट का स्क्वायर ये हो गया था, रूट एड स्क्वायर हट जाता है। ओके ये डिवाइड उधर इंटू कर दिया। अच्छा देखिए उसके बाद जैसा हमारे प्रूफ में उसी तरह अरेंज कर दीजिए बच्चों, कि वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर। ओके ये माइनस माइनस, ये माइनस से दोनों से इंटू होगा बच्चों, ये माइनस है दोनों से इंटू होगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई आएगा। अगर माइनस ये भी इधर भी इंटू होगा बच्चों, ये माइनस से इधर भी इंटू होगा, कितना माइनस देखिए, एक ठो माइनस, एक ठो माइनस, एक ठो, तीन ठो माइनस, तो तीन ठो माइनस माइनस आ जाएगा और ये आएगा। ओके और ये टू एक्स वाई, टू एक्स वाई भाई ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी टू है, ये टू टू कट जाएगा। और एक बात है बच्चों, ये y बाई इसके बदले में ये डाल दीजिए dy बाई डी एक्स, ये टोटल डाल दीजिए, माइनस ए बाई बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर बदले में dy बाई डी एक्स डाल दीजिए, माइनस ए बाई बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर उधर dy बाई डी एक्स डाल दीजिए। तो ये आपका प्रूफ में जो था आपका क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वाई हुआ। ओके इधर क्या किए थे बच्चे जानते, तो इधर का डी वाई डी एक्स का वैल्यू डाले तो कट जाएगा। ओके और इधर हम क्या करेंगे जानते हैं बच्चों, ए और कौन वाई, ए वाई माइनस ए वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी वाई डी एक्स रहता है, इधर एक्स रहता है बच्चों, माइनस ए वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो माइनस ए बाई वन माइनस डी वाई बाई डी सर डी एक्स पहुँच गया। अब बच्चों इसको इस तरफ ले आइए, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई, प्रूफ में वही है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों यही करना था हम लोग का प्रूफ, शायद देख लीजिए। ठीक है, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर आपको याद रखना है जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये वाला डाल दोगे सो दैट वन माइनस एक्स का कट जाएगा, और इधर आपका डब भी याद रखना है, इसका वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है जो कि पुट कर देना, माइनस ए वाई बाई है डी वाई डी एक्स से पुट कर दो, इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों एग्जाम में आता है आप लोग का। ओके नेक्स्ट बच्चों देखिए आप लोग का, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग का,
ये 23 आप लोग का जेई मेन में आता है। ओके, और ये सभी कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे तो कर देंगे। ओके, 17, 16, 17, 23 इम्पोर्टेंट है, 22 कर देते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन। ओके, और बाकी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जेई मेन में डालता है। ओके, तो बच्चों ये डिटरमिनेंट का अगर डेरिवेटिव बोलता है, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, सपोज ये आपका वाई इक्वल टू, एक तो डिटरमिनेंट है, इधर एक फंक्शन है। ओके, इधर एक फंक्शन है। ओके, ये इधर एक फंक्शन है एफ वन एक्स, ये इधर एक फंक्शन है जी एक्स, इधर एक फंक्शन है एच एक्स। ओके, और इधर एक फंक्शन है टी एक्स, कुछ भी नाम दे दो। ओके, इधर एक फंक्शन है आर एक्स, और इधर एक फंक्शन है एल एक्स, और इधर एक फंक्शन है एम एक्स, इधर एक एन एक्स। ओके, कुछ भी नाम दे दो। ओके, और एक जेड एक्स ऐसे। ओके, इसका अगर ऐसा तो कोई फंक्शन देता है। ओके, उसका अगर जिसका इसका बच्चों आर डी शर्मा में भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसका। ओके, आप लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ कर लीजिए दो तीन तो। ओके, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, पहला फर्स्ट रो का डेरिवेटिव होगा, मतलब तो फर्स्ट कॉलम का भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव होगा, बाकी सभी ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, इसका डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव ऐसा ही निकलता है बच्चों, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव रहेगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। ऐसे कॉलम का भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम का होगा बाकी सब वैसे रहेगा, फिर सेकेंड कॉलम का होगा बाकी सब ऐसे रहेगा, फिर थर्ड कॉलम का होगा बाकी सब वैसा होगा। नहीं तो ऐसा होता है फास्ट रो का होगा बाकी सब ऐसे ही रहेगा बच्चों, यार एक्स है बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ये एल एक्स है, ये एम एक्स है, ये एन एक्स है, जेड एक्स है। फिर प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा बाकी सब ऐसे रह जाएगा, सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा क्या, ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ओके, सेकेंड रैंक का डेरिवेटिव होगा बाकी सब ऐसा रह जाएगा, मीन्स ये टी एक्स इसका डेरिवेटिव होगा। ओके, सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा बाकी सब ऐसा हो जाएगा। ओके, बाकी सब ऐसा रहेगा कितना, एम एक्स एन एक्स। ओके, और ये जेड एक्स। लास्ट बच्चों आपका थर्ड रो का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब ऐसा रहेगा, एफ एक्स ये रहेगा, जी एक्स रहेगा, एच एक्स रहेगा। ओके, ये आपका ये वैसे ही रहेगा, टी एक्स रहेगा, आर एक्स रहेगा, और ये आपका एल एक्स रहेगा, इसका लास्ट का डेरिवेटिव होगा एम एक्स होगा। ओके, ये एन एक्स इसका डेरिवेटिव होगा। ओके बच्चों, समझ गए इसका फॉर्मूला, समझ गए बच्चों इसका फॉर्मूला, समझ गए। फर्स्ट रो का होगा बाकी सब ऐसा रह जाएगा, फिर सेकेंड रो का होगा बाकी सब ऐसा रहेगा, प्लस थर्ड रो का होगा डेरिवेटिव बाकी सब होगा। ये बच्चों ये डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव समझे। चलिए पहले सर, यस सर। हाँ बोलिए, कुछ किसको कुछ बोलना है। ओके चलिए हम करते हैं इसका। ओके डेरिवेटिव, ओके ये प्रूव करना है इसका। ओके ये हमें प्रूव करना है बच्चों, के इसका ये प्रूव करना है। ओके देखिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो और एक तो इसका एग्जांपल बच्चों देंगे आपका आर डी शर्मा, और एक भी एग्जांपल देखे। ओके देखिए, ये इसका डेरिवेटिव, पहला वाला डेरिवेटिव होगा एफ डेस एक्स। ओके जी एक्स इसका डेरिवेटिव, और एच एक्स बाकी सब बच्चों ऐसा ही रह जाएगा। एल एम कौन, एन आर कौन, ए बी। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, मिडिल वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला ऐसे रहेगा बच्चों। के बच्चों एल का डेरिवेटिव बोलो कितना, अरे बच्चों एल का डेरिवेटिव कितना, जीरो। एम का डेरिवेटिव कितना, ये कांस्टेंट है, एल एम एन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहेगा, बाकी सब ऐसा रहेगा। ठीक है बच्चों,
फिर लास्ट वाला डेरिवेटिव होगा बच्चों, लास्ट वाला का डेरिवेटिव। ओके ये एफ एक्स है और जी एक्स है और एच एक्स है, ये एल एम एन है, एल एम एन। ओके ओके बच्चों ए का डेरिवेटिव जीरो, बी का डेरिवेटिव जीरो, सी का डेरिवेटिव जीरो, लास्ट वाला रो का डेरिवेटिव। पहला फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हुआ, बाकी सब ऐसा रहा, फिर सेकेंड रो का डेरिवेटिव हुआ, बाकी सब ऐसा रहा, फिर थर्ड रो का डेरिवेटिव हुआ, बाकी सब ऐसा भी बच्चा फर्स्ट फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कर सकते हो, बाकी वैसे रख सकते हो, फिर मिडिल कॉलम का डेरिवेटिव करके बाकी सब ऐसा रख सकते हो, फिर थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव करके बाकी ऐसा भी कर सकते हो। ओके देखिए बच्चों आप लोग का ये देखिए, ये आपका एफ डैश एक्स, ये आपका जी डैश एक्स, ये एच डैश एक्स। ओके ठीक है, ये आपका एल एम एन, ये ए बी सी। बच्चों इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव आया इसका बच्चों ये जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा कौन बोलेगा बच्चों? इसका जो पहले इसका जीरो आएगा बच्चों, क्यों जीरो आएगा कौन बोलेगा बच्चों? हमारा एक प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर कोई एक रो या कॉलम अगर जीरो होता है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है? कोई एक रो एंड कॉलम अगर जीरो होता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है बच्चों। तो ये आप इसका भी वैल्यू बच्चों जीरो हो जाएगा, इसका जो वैल्यू जीरो क्यों होगा? इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा बच्चों, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो क्यों होगा बच्चों? क्योंकि अगर कोई एक रो अगर जीरो होता है, कोई अगर रो अगर जीरो होता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो होता है बच्चों। ओके देन बच्चों ये आपका ये आएगा, ये एफ डैश एक्स, ये जी डैश एक्स, ओके एच डैश एक्स, ये एल एम एन रहेगा। ओके और ये बी सी रहेगा। ओके ठीक है, तो यही बच्चों शायद प्रूव करना था बच्चों, हम लोग का यही प्रूव करना था, इसका डेरिवेटिव यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था देख लीजिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव यही प्रूव करना था, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है समझ में आया बच्चों? अच्छा इसका आरडी शर्मा में भी बहुत सारा क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी सब ऐसा रहेगा, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव बाकी सब ऐसा रहेगा, फिर प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव। इसका आरडी शर्मा में बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन तो देख लीजिए। अच्छा बच्चों हमारा मॉड एक्स का दो पार्ट होता है बच्चों, मॉड एक्स का दो पार्ट होता है, एक प्लस एक्स होता है। ओके ये मॉड एक्स क्यों दिया, एक प्लस एक्स होता है और क्या, और एक माइनस एक्स होता है। ओके तो ये तो बच्चों मॉड का दो पार्ट होता है, प्लस एक्स होता है माइनस एक्स होता है। ओके ये एक्स क्यू है तो प्लस एक्स का क्यू आपका आएगा ये, और माइनस एक्स का क्यू आएगा, माइनस एक्स क्यू आएगा। ओके ये कब होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है एक्स, और एक तो ये नेगेटिव कब होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है, मॉड का दो पार्ट है इसका। बच्चे एफ डैश एक्स करेंगे आप, ये आपका कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर आएगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये आपका माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा जब एक्स लेस देन जीरो। ओके नेक्स्ट बच्चे उसका सेकेंड डेरिवेटिव देखिए। ओके ये कितना आएगा आपका सिक्स एक्स आएगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके और ये माइनस सिक्स एक्स आएगा जब एक्स लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों